नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर। कुछ ही दिन पहले फ्रेंड्स मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, मैंने जो छोटे छोटे जो पौधे लाए थे एक एक रुपए के, वो मैंने आपसे वीडियो में शेयर किए थे। आप देख सकते हो इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया और काफ़ी बड़े ये हो गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इनको रिपोर्ट कर देना था, अभी तक इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हो ये डायमॉर्फिटिका है और एक ये एनुअल क्रिसेंथेमम है, इसमें पीले कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। तो इनको जो है फ्रेंड्स काफ़ी सारे ये पौधे हैं, अभी मेरे पास में जो है पॉट भी खाली नहीं है, चार पांच ही पॉट है, पर ये पौधे जो है 30-40 के करीब है, ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही है। तो इनको जो है कहाँ रिपोर्ट करूँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इनको अभी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैंने किस तरह से क्या किया फ्रेंड्स इन पौधों का, कैसे मैंने इनको लगा दिया, तो वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास में ये 6 से 7 पॉट ही है और ये 12 इंची के पॉट है, ये काफ़ी बड़े हैं। इसमें अगर मैं दो दो तीन तीन भी लगाती हूँ फिर भी वो सारे पौधे इनमें नहीं आएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से जुगाड़ किया, घर पर ही जो पॉलीथीन बैग थी उनसे मैंने इस तरह से ग्रो बैग तैयार कर लिए थे। तो इसे कैसे तैयार किया वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह की आटे की पन्नियाँ, ये 5-5 किलो की है। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे स्टेपलर ले ली है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें काटना पिटना कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से इसके जो कोने होते हैं उनको इस तरह से हमें मोड़ देना है और देखिए इस तरह से हमें स्टेपलर से इसे ऐसे स्टेपल करते जाना है। तो दो बार ही हमें दो साइड से बस दो पीन ही इसमें गड़ानी है हमको, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से हम इसको उल्टा कर देंगे, देखिए इस तरह से। और मैंने जो है इसमें ड्रेनेज होल भी पहले ही बना लिए थे, तो इसमें ये आटे की ये पन्नियाँ होने के कारण जो है आटा जो है मेरे हाथों में लग रहा है। तो मैंने इसे जो देखिए इस तरह से पलटा दिया, कितना सुंदर जो है इसने ग्रो बैग का ग्रो बैग लग रही है। तो ये 12 इंची की हमारी ये ग्रो बैग तैयार हो गई है। आप देखने में देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर भी लग रही है। अगर एक बार इनकी प्लेस पे हम अगर हम रख देते हैं, इनकी प्लेस बार बार चेंज नहीं करते, तो काफ़ी दिनों तक जो है 3-4 साल तक आराम से टिक जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने पॉटिंग सॉइल ले ली है, तो मोटी जो मेरी गार्डन की सॉइल है उसे जो है मैं सबसे नीचे में डालते जा रही हूँ। फिर जो सूखी पत्तियाँ हैं, ये मेरे गार्डन की सूखी पत्तियाँ हैं, इनमें जो है मैंने पानी डाल के इस तरह से इनको मैंने इसका हल्का सा कंपोस्ट तैयार कर लिया था। ये फुली डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो एक लेयर जो है मैं मिट्टी की, फिर जो पत्तियों की लेयर इस तरह से मैं बनाते जा रही हूँ ताकि मिट्टी कम लगे और नीचे नीचे जो हमारा ये लीफ का कंपोस्ट भी बनके तैयार हो जाएगा। तो पौधों को हमें ज़्यादा खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लीफ कंपोस्ट भी बहुत ही बढ़िया ये खाद होता है, ये नीचे नीचे से जो है तैयार हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा जो है पोषण इन पौधों को मिलेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने इनको रिपोर्ट करते जा रही हूँ। जो मैंने मिट्टी यहाँ पर तैयार करी है तो 60% गार्डन सॉइल है, इसमें मैंने 30% जो है वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाल दिया था और 10% मैंने इसमें सैंड मिला दी थी। थोड़ा सा इसमें मैंने फंजीसाइड पाउडर, नीम की खली और मैंने थोड़ा सा बोन मील भी इसमें मिला ताकि जो हमारे पौधे हैं काफ़ी हेल्दी से ग्रो हुए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स सबको जो है मैंने रिपोर्ट करके उनकी प्लेस पे मैंने रख दिया। यहाँ पे जो है मतलब धूप जो यहाँ पे छन के आती है, एकदम डायरेक्ट धूप नहीं आती, इनडायरेक्ट, तो इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। और अच्छे से हमें पानी दे देना है। और अभी तो काफ़ी सारे पौधे बचे हैं, देखिए फ्रेंड्स इतने सारे जो है पौधे अभी बचे हैं। तो इनको मैंने कैसे लगाया, तो देखिए यहाँ पर जो है ग्राउंड मैंने एक ऐसे तैयार कर लिया था गोलाई में, और उसके आजू बाजू आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने सब्जियाँ उगाई है, मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं जैसे ये गोल जैसे राउंड है, तो राउंड के जैसे बाहर के साइड में मैं जो एनुअल क्रिसेंथेमम है उनको लगाते जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं छोटे छोटे जो गड्ढे करते जा रही हूँ, तो इनमें मैं वर्मी कंपोस्ट को थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ ताकि जो हमारे पौधे हैं काफ़ी हेल्दी से ग्रो हो जाए। तो इस तरह से मैं ग्राउंड में इनको लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो है मेरे पास में पॉट बिल्कुल भी खाली नहीं है। और पॉट रखने के लिए भी अभी जो है वहाँ पर जो मेरा आंगन है नीचे का ही मेरा ग्राउंड फ्लोर का ही मतलब मेरा गार्डन है, तो वहाँ पर अभी इतने सारे जो है पॉट हो गए, तो अभी वहाँ पर भी अभी मैं पॉट भी ज़्यादा नहीं लगा सकती हूँ तो यहाँ पर जो जगह खाली थी तो मैं इनको यहाँ पर तैयार कर लिया था। 3-4 दिन से मैं अच्छे से यहाँ पर पानी भी दे रही थी ताकि ये जो मिट्टी है यहाँ की थोड़ी हल्की हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और देखिए इस तरह से मैं इनके यहाँ पर गड्ढे करते जा रही हूँ ताकि मुझे जैसे प्लांट्स लगाने में आसानी हो जाए। तो बाहर का जो गोला है उसमें सब में जो है एनुअल क्रिसेंथेमम को लगाते जा रही हूँ थोड़े थोड़े दूरी पर।
और फर्स्ट टाइम ही मैं जो ये फ्लावर वाले प्लांट्स हैं इनको मैं ग्राउंड में लगा रही हूँ। ज़्यादातर ग्राउंड में मैं सब्जियाँ ही ग्रो करती हूँ, और सब्जियाँ भी अभी मैं इस साल ही मैंने ग्रो करी है, क्योंकि 3-4 साल से जो है ये जगह थोड़ी सी वही थी फ्रेंड्स, बंजर टाइप की पड़ी थी, तो इनको जो है इस तरह से मैंने इस जगह को यूटिलाइज़ कर लिया है। इसमें मैंने सब्जियाँ भी लगा दी। देखिए इस काम में मेरी छोटी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है, वो मुझे जो पौधे हैं ला ला के दे रही थी। तो बीच वाले सेक्शन में जो है मैं जो डायमॉर्फिथिका है उनको लगा दूंगी, तो उनको जो है एक साथ ही मैं लगा दूंगी इस तरह से गोलाई में। जब ये बड़े होंगे फ्लॉरिंग करेंगे तो बीच बीच का जो गोल है वाइट वाइट बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और जो लास्ट का जो राउंड मैंने लगा दिया एनुअल क्रिसेंथेमम उसमें येलो कलर के। और फ्रेंड्स इसमें बीच में भी जो जगह खाली है, तो काफ़ी सारे जो मैंने गेंदे के भी पौधे तैयार करे थे सीड्स से, तो वो भी मेरे गेंदे के पौधे भी रेडी हो चुके हैं। उसमें जो है जाफरी गेंदा भी है और जो बड़ा वाला जो गेंदा है वो भी, तो काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं, तो उनको भी जो है मुझे लगाना है। तो अभी जो है मैंने बीच में और साइड साइड में इन पौधों को जैसे रिपॉट कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इनको लगा दिया, और इनमें सब में जो है मैंने पानी दे दिया। इन सभी को शाम के टाइम पे मैंने इसलिए भी रिपोर्ट किया क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है। शाम के टाइम पे रिपोर्ट इसलिए भी किया कि दिन रात भर जो है ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, सुबह अगर धूप भी आती है तो ये अच्छे से ये फ्रेश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। गेंदे के भी काफ़ी सारे मैंने पौधे कटिंग से और सीडलिंग से तैयार करे थे, तो एक ही पॉट में मैंने 3-3, 4-4 पौधों को जो है रिपोर्ट कर दिया था। इनकी मैंने पिंचिंग भी कर दी थी क्योंकि उस टाइम इनको रिपोर्ट करना ज़रूरत था, पॉट भी कम थे। तो अभी जो है इनको भी मैं निकाल के वहाँ पे उस ग्राउंड में एक और जैसे गोला बना के और लगा दूँगी। और ये आप देख रहे हो ये डेहलिया, ये सिंगल पेटल वाला है, तो इनको भी मुझे रिपॉट करना है उसमें, क्योंकि एक एक पॉट में 3-3, 4-4 पौधे लगे हैं, तो उनको भी मैं इस तरह से लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है मैंने जुगाड़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गार्डन बड़े होते जा रहा है, पॉट भी बहुत ज़्यादा, तो अभी रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने जो ग्राउंड खाली जगह पड़ी थी उसका भी मैंने यूज़ कर लिया। उसमें भी मैंने अभी फूलों वाले पौधों को इस तरह से मैंने लगा दिया। जब पूरे पौधे लगाने के बाद में मैं उसका वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो आज मुझे जो है आपसे यही शेयर करना था कि इतने सारे पौधों का मैंने क्या किया, किस तरह से उन्हें लगाया है। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।